हेलो दोस्तों, मैं ये वीडियो बना रहा हूँ गाइस, क्योंकि आजकल काफ़ी चीज़ सुनने को मिल रही है कि जो इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए गवर्नमेंट ने इमिग्रेशन वालों ने बोला है कि हाँ जी, आप 20 घंटे से ज़्यादा काम कर लो, हमें कोई चक्कर नहीं है, हम लिमिटेशन ख़त्म कर रहे हैं। तो गाइस, काफ़ी मिक्स रिव्यूज आ रहे हैं। लोग कह रहे हैं जी, कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं जी, ये तो स्टूडेंट का और फ़ायदा ले रहे हैं, ठीक है, और ये बहुत गलत एक डिसीजन लिया गया है, ठीक है। गाइस, मुझे समझ में नहीं आता कि इतना हम चीज में नेगेटिव क्यों हो जाते हैं। हर चीज में हम पहले नेगेटिव चीजों पे ही फोकस क्यों करते हैं, फिर उसके बाद लाइक हम सोचते हैं कि हाँ, इसका फायदा ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। क्यों गाइस, पता क्या चीज होती है? देखो, मैं भी स्टूडेंट रहा हूँ, इंटरनेशनल स्टूडेंट, मैं समझ सकता हूँ कि यार 20 घंटे से फीस नहीं निकलती यार। लाइक 1 साल की तो आप फीस भर के आ जाते हो इंडिया में, वो भी बेचारे कुछ के केसेस में ऐसा होता है कि किसी से लिए हैं या ये किया है, ठीक है। अब 20 घंटे में यार, सीरियसली कैसे वो चीजें, खर्चा भाई अपना खर्चा मुश्किल से निकलता है, ठीक है। वो जो 20 घंटे कर रहे होंगे या जिन्होंने किया है, वो अंडरस्टैंड कर सकते हैं। कितने बनाते हैं हम लोग यार, $700 $800 पर भी बाई वीकली, लाइक 2 हफ्तों का, उससे गाइस ग्रोसरी का निकल जाता है, ठीक है। आपको हो गए, उसके बाद गाइस फोन बिल आ गया, ठीक है, और ट्रेवल करना है कहीं पे, कुछ लेना है, ये करना है, वो करना है, तो गाइस कुछ नहीं बचता भाई, कुछ नहीं बचता। क्या होगा, आप कहोगे फीस निकल जाएगी, ये हो जाएगा। तो गाइज, अगर गवर्नमेंट ने आज की, इमिग्रेशन वालों ने आज की डेट में अगर बोला है कि हाँ जी, हमें कोई चक्कर नहीं है जी, हमें भी अपनी इकोनॉमी रन करनी है, तो आप भी काम करो, हमें कोई चक्कर नहीं है। तो गाइज, विन विन सिचुएशन फॉर बोथ साइड्स। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को गाइज फायदा डेफिनेटली होगा, क्योंकि गाइज उन्होंने, अगर आप फाइनेंशियली कहीं ना कहीं, गाइज दिस इज ट्रू, अगर आप फाइनेंशियली आप स्टेबल होते हो तो आपका कॉन्फिडेंस वैसे ही बूस्ट अप हो जाता है। और आपको गाइस ये चीजें देखो, उन्होंने, इमिग्रेशन वालों ने ये नहीं बोला कि हाँ आपने 50 घंटे कर लो या 60 घंटे कर लो या 40 करने या 30, आपके ऊपर कोई वो कोई रूल नहीं लगाया उन्होंने, कोई रेगुलेशन नहीं बनाई उस चीज को लेके कि हाँ जी आपने इतना ही काम करना है। अगर आपको लगता है कि यार, कि किसी को लगता है कि नहीं जी मुझे काम 20 घंटे करना है, तो 20 घंटे कर लो ना, ठीक है। व्हाई यू टेकिंग इट दैट वे कि हाँ जी उन्होंने लाइक ये गलत बना दिया। गाइस, कुछ कुछ लोगों को जरूरत थी इस चीज के लिए, कुछ लोगों को क्या है, मैं तो कहूंगा यार, मतलब 80-90% स्टूडेंट को जरूरत थी कि यार 20 नहीं तो कम से कम 30 कर लेंगे, वो 25 कर लेंगे, 35 कर लेंगे किसी किसी हफ्ते में, किसी किसी हफ्ते में 15 हो जाएंगे, 40 हो जाएंगे। तो भाई अप टू देम, उनको छोड़ दो भाई, इस चीज पे हमें नेगेटिविटी में नहीं लेके जाना कि हाँ जी गवर्नमेंट ने आपका फायदा लेना है, इमिग्रेशन वालों ने फायदा लेना है, ये हो जाएगा, आपकी स्टडी इम्पैक्ट करेगी, ये करेगा। तो गाइज वो भी स्टडी कर रहे हैं, उनको पता है उस चीज का कि हाँ जी हमने कब काम करना है, कब स्टडी करनी है। तो उनको ये चीज खुद को ही समझनी पड़ेगी कि हाँ जी मैंने अपनी स्टडी को इम्पैक्ट नहीं होने देना उस चीज से, नेगेटिव वे में, राइट। तो वो चीज गाइज, उनको ये चीज बोलना कि नहीं ये आपके लिए नुकसान है, ये फायदा नहीं है, सब ये बोल रहे हैं कि हाँ जी ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। गाइज इन चीजों में प्लीज, इंटरनेशनल जो भी मेरी वीडियो ये देख रहे हैं, हमने नेगेटिव होना नहीं है गाइज चीज को लेके, ठीक है। हमने सिर्फ ये सोचना है कि हाँ जी हम स्टडी और काम को बैलेंस कैसे बनाएंगे इस चीज में, दैट्स इट। गाइज फीस भरनी है, वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट, ठीक है। एट द सेम टाइम स्टडी भी देखनी है, क्योंकि बाद में हमने अपनी फील्ड में ही रहना है, जॉब करनी है, ग्रोथ लेनी है, बिकॉज वी आर हियर फॉर अपॉर्चुनिटीज, राइट। ऐसा नहीं कि हाँ जी हमने टाइम पास करना है, ठीक है। बट एट द सेम टाइम गाइज हमने ये भी देखना है कि हाँ जी जो फीस है भाई सेकेंड ईयर की, वो कैसे भरनी है, जी आई सी से कितना बच जाएगा, ठीक है। वो सारी चीजें गाइज हमने प्लान करनी है, ठीक है। तो जो कोई बोलता है बोलने दो, बट आई थिंक इट्स अ विन विन सिचुएशन, गवर्नमेंट को भी, इमिग्रेशन वालों को भी फायदा होगा, ठीक है, इकोनॉमी चलती रहेगी। एंड आप एट द सेम टाइम गाइज, मुझे लगता है स्टूडेंट्स के लिए बहुत 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 फायदा है, बट उनको ये देखना पड़ेगा कि हाँ जी वो बैलेंस कैसे, मैनेज कैसे करते हैं अपने टाइम को, दोनों चीजों को साथ के साथ, स्टडी और काम को कैसे लेके चलते हैं। बट मुझे लगता है गाइज ये बहुत अच्छा डिसीजन है, एंड हमें नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए इस चीज के बारे में। हमने बस इस चीज का ध्यान रखना है कि हाँ जी हमने बैलेंस करके चलना है सारी चीजों को। तो गाइज अगर आपको कोई कह रहा है कि हाँ जी ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, घबराने की जरूरत नहीं है, अपना माइंडसेट अपना ठीक रखो, राइट डायरेक्शन में रखो, एंड काम करो दबा के, स्टडी करो दबा के, जितने आप एफर्ट्स कर सकते हो गाइज उतने एफर्ट्स करो, ठीक है। बिकॉज वी आर हियर टू इम्प्रूव, वी आर नॉट हियर टू किल द टाइम, ठीक है। तो आप इंजॉय करो गाइज, स्टडी भी करो, काम भी करो, एंड नेगेटिव थॉट से दूर रहो, ठीक है। चलो गाइज, मैंने ये सोचा कि ये वीडियो बनाऊं, काफी ये लोग सोच रहे हैं, काफी वीडियोस डाल रहे हैं, आई डोंट नो व्हाई, मुझे समझ में नहीं आती ये चीजें। एंड बाकी गाइज, इन केस यू हैव एनी क्वेश्चंस, एनी क्वेरीज, आप
आप मुझसे पूछ सकते हो, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। एट द सेम टाइम गाइस आप यूट्यूब चैनल पे लाइक कमेंट सेक्शन में भी अपना क्वेश्चन पूछ सकते हो, ठीक है। पर गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर देना ताकि और लोगों को भी हेल्प हो सके। काफी इंटरनेशनल स्टूडेंट के मुझे मैसेज आ रहे हैं कि हाँ जी सर ये सही डिसीजन है या गलत है, हम कहीं फंस तो नहीं जाएंगे, ये नहीं हो जाएगा वो नहीं हो जाएगा। तो गाइज प्लीज ऐसा मत, जो ये बोल रहे हैं कि हाँ जी सिर्फ एक साइड देख रहे हैं गाइज, वो मत देखो, टोटल लेके चलो कि हाँ जी फायदा कैसे होगा, दोनों के लिए हो सकता है नहीं हो सकता, हमने किस चीज को अवॉइड करना है, क्या क्या हम चीजों का हमने ध्यान रखना है, ठीक है, जब ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा कॉन्सेप्ट, तो वो चीजें देखो। ऐसा नहीं कि हाँ जी हमने सिर्फ वही करना होता है कि हाँ जी ये चीज गलत है गलत है गलत है। जब 20 आवर्स थे तब कहते थे नहीं जी ये गलत है, अब जा हटा दी वो चीज तब भी गलत है। तो गाइस ये चीज मतलब ये तो चलती रहेगी, ठीक है। आपने आपने बिल्कुल गाइस स्टे पॉजिटिव, स्टे काम, अपने गोल अपने अच्छे रखो, अपना प्लान अच्छा करो रखो, उस प्लान को एग्जीक्यूट करो एंड अपने गोल्स गाइस एंड ड्रीम्स अपने हाई रखो जितने रख सकते हो। चलो गाइस विश यू ऑल द बेस्ट एंड सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय गाइस, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, बाय।